सुकुमार। लेना है आप, ये देखिए दोस्तों जो अंडा है, ये देखिए मैं करीब से दिखाऊंगा, ये जो अंडा है इसको फटा के, इसको फटा, जो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों अब आप लोग जानते हैं, इसको फटा के उधर डाल देना है, ठीक है। दे दे, हाँ दे दे, बस ये मुनगा शक के ऊपर डाल देना है ये रेसिपी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सुकुमार कुरी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य और सब कोई अच्छे होंगे। आज बनाएंगे हम लोग जो सर्जन साग होता है, हम लोग बंगाली में उसको सोनला साग बोलते हैं और हमारे इधर खोटा भाषा में उसको मुनगा साग भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो सर्जन साग और अंडा का रेसिपी, ठीक है। अब और एक बार मैं बता देता हूँ, सर्जन साग और अंडा का रेसिपी बनाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी मैं और सुकुमार बाबा जाएंगे सर्जन का जो साग है बोलाने के लिए, क्योंकि अंडा पहले से ही दोस्तों घर में है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलो सुकुमार बेटा, चलो जाओ, बच्चो आई को कौन, तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सर्जन साग हमने लाने के लिए, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। सुकुमार बोल बेटा एक बार हाय। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अपना बाड़ी पहुंच चुका है और चारों ओर का नज़ारा देखिए, यही है दोस्तों गांव देहात का परिवेश, कितना अच्छा है देखिए चारों ओर, कितना सुकून और शांति है दोस्तों। बाबा सुकून बाबा एकदम बाहर आता है दोस्तों तो एकदम शांत हो जाता है, घर में इसका इसका ही चलता है घर में और किसी का नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, दो जगह में मैंने देखा है, तो देखता हूँ किधर, मतलब नीचे है कि ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी जगह हम लोग जाते हैं। ये देखिए हम लोग का बाड़ी भी पहुंच चुके हैं, ये देखिए चारों ओर। तो यही गाछ से देखिए दोस्तों तोड़ेंगे हम लोग साग और लेके घर जाएंगे। हैं, तो ये देखिए दोस्तों हम लोग इतना सारा साग देखिए तोड़ चुके हैं, ठीक है। दूसरे का गाछ था इसलिए परमिशन लेके हम लोग तोड़े, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम लोग दोस्तों घर और बनाएंगे रेसिपी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पत्नी जी और मम्मी जी और इधर सुकुमार भी दोस्तों कुछ ना कुछ करते रहता है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों लगता है ये जो मुनगा साग है, और ये देखिए अभी रसुन छील रहे हैं, ये देखिए, और अंडा, मेन ये तीन ही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं अभी चूल्हा की ओर। सुकुमार ये क्या क्या करता है इसका, की गच्ची बेटा इटा की बोट है सूप, हाँ तो ठीक है राखी दे है ना, हाँ राख। तो ये देखिए दोस्तों कढ़ाई तपने के बाद सबसे पहले देना है सरसों का तेल, ठीक है, और ये देखिए लहसुन, ठीक है, ये तो सब कुछ जानते हैं आप लोग। देख ये लहसुन को थोड़ा दोस्तों पीला पीला होने देना है, ठीक है, येलो कलर का। उसके बाद ये देखिए दोस्तों इसको पीला पीला होने देना है। ये दोस्तों ये देखिए साग थोड़ा सा पहले पानी में थोड़ा सा धो के अभी इधर डाल देना है कढ़ाई में, चढ़ देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा दोस्तों पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसी साग से ही पानी निकलता है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से मतलब उबले, कांचा ना रहे, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। और अभी इसको ढक देंगे किसी चीज़ से। तो ये देखिए दोस्तों थाली से हम लोग ढक दे रहे हैं, और कुछ देर तक ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पानी सूखा कि नहीं, करीब से दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये देखिए उतना सारा साग था कि इतना एक थोड़ा सा हो चुका है, किसी भी साग का ही यार दोस्तों, पहले तो ज़्यादा रहता है फिर बनाने के बाद एकदम कम हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या करेंगे आप लोग कि सबसे पहले मतलब जो मुनगा साग तेल है दे के थोड़ा सा लहसुन दे के उसके मतलब गर्म होने देना है, फिर मुनगा वो जो साग है दोस्तों उसको दे के उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पका लेना है। अब ये देखिए दोस्तों जो अंडा है, ये देखिए मैं करीब से दिखाऊंगा, ये जो अंडा है इसको फटा के
इसको फटा, जो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं, इसको फटा के उधर डाल देना है, ठीक है? दे दे, हाँ दे दे, बस ये मुनगा साग के ऊपर डाल देना है। ये रेसिपी आप लोग दोस्तों एक बार बना, एक ही हम लोग का कम साग है इसीलिए दोस्तों हम लोग एक ही अंडा मिला रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बनाएंगे तो दो अंडा देना पड़ेगा, मतलब आपका क्वांटिटी कितना है, साग का क्वांटिटी कितना है उसी हिसाब से आप लोगों को अंडा भी देना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह बन चुका है, लगभग लगभग बन चुका है, इसका कोई और कोई कुछ कम नहीं है। वो अंडा मिलाने के बाद अच्छी अंडा मतलब देने के बाद अच्छी तरह से ये देखिए साग के साथ मिला लेना है। तो आप लोगों का मुनगा साग और अंडा का जो ये रेसिपी है दोस्तों कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार बना के देखिए, बना के देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है? हो गया आप लोगों का मुनगा साग और अंडा का रेसिपी कंप्लीट। मुनगा साग और अंडा का जो रेसिपी है वो टेस्ट करने वाला है ये देखिए सुकुमार बाबा, ठीक है? चम्मच चाहिए, की चाहिए बेटा? चम्मच, ये देखिए ले खा, खाई यार बोल हैं, केमन लगल बेटा? हाँ वेरी गुड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि और किस कैसा रेसिपी चाहिए, ठीक है? और चैनल में नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार बाय बाय करिंदे बेटा, बाय बाय। हाँ।